प्रदेश की भाजपा सरकार जहां भूमाफियाओं के खिलाफ एंटी भूमाफिया अभियान चला रही है, वहीं बांदा जिले में उसके विधायक अपनी ही सरकार के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए नजर आए हैं। विंजडा थाना क्षेत्र के ग्राम चंद्रायल में बारात घर की जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। सुनिए इस मामले में वहाँ के ग्रामीणों का क्या कहना है। 28 साल को कई बार प्रार्थना पत्र दिया, इसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। केवल जो है एक दरवाजा बंद करवा दिया गया है, इसमें अभी वो दरवाजा किए हुए है, यहाँ पर वह कब्जा कर रहा है, नल को भी कब्जा में है, बारात घर राज के अंतरी विधायक के बल पे जो है सब कुछ हो रहा है। इस मामले में गांव वाले कहते हैं कि जो शादियां होती हैं तो इसी बारात घर में की जाती हैं। इस घटना की लिखित शिकायत भी की गई है, लेकिन नरेनी विधायक द्वारा फोन करके अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोक दिया जाता है। बारात घर की गिरवा दी जाए 5 साल के अंदर, पूछिए कि भाजपा के सरकार ही होता वो जगन्नाथ जो है भाजपा का महाशक्तिला भाजपा और उसके राजकरण नरेनी विधायक की तरफ से वो सपोर्ट पा रहा है, इसलिए ये सब कर रहा है। दरवाजे वरवाजे किसने तोड़ दिए? दरवाजे सिग्मा पुत्र फजला इसने ही तोड़वा दिए। SPN 9 न्यूज़ के लिए बांदा से शरद मिश्रा की रिपोर्ट।